अगर आप वापी में हैं और वापी में रहते हैं और आप इस शख्सियत को नहीं पहचानेंगे तो फिर आप शायद वापी में किसी को नहीं पहचानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है मनोज चौहान और आप देख रहे हैं सौर्य भारत 365 और आप इस वीडियो को सलासर न्यूज़ पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं आज वापी के एक बहुत बड़े हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। ये तब लाइमलाइट में आए थे जब 2020 में कोरोना काल चल रहा था और ये समाज सेवा के लिए इतना ज़्यादा आगे बढ़ के आए कि जिस समय लोगों की नौकरियाँ चली गई थी, हमने इनके बारे में अखबारों में पढ़ा, न्यूज़ टीवी पे देखा, कई सारे चैनलों पे भी देखा इनका, तो इनका समाज के लिए इतना ज़्यादा कार्य रहता है, उस बारे में जितनी भी बात की जाए उतनी तो कमी है। हम तो उनसे जानेंगे। ये पहले तो सर का स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, अपने बारे में मैं जो बताया ठीक है, शायद वो कम पड़ जाए, कुछ अपने बारे में जानकारी दीजिए और कहाँ कहाँ तक आप वापी में ही काम करते हैं या फिर वापी से बाहर भी कहीं। देखिए, हमारी सोच है समाज का कल्याण करना, समाज में मदद करना, और ज़िंदगी तो मिली है तो मौत के बाद भी याद करे कोई आदमी इंसान था, कोई गाली ना दे हमारे, होता नहीं कि कोई आदमी ठग था। तो हम लोग ये सोच को लेके ज़िंदगी का शुरुआत किए हैं और जहाँ तक होता है हम लोग समाज सेवा करते हैं, और समाज सेवा में कहीं भी किसी भी कारणवश कोई भी याद करता है, जिस लायक जहाँ भी हम सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। अच्छा, एक चीज तो देखा गया कि यहाँ आज के डेट में लोगों को खुद के लिए टाइम नहीं होता है और आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, कैसे संभव हो पाता है आपके लिए और कितना मुश्किल हो पाता है? थोड़ा कठिन काम तो है, लेकिन समय है, इंसानियत भगवान दिया है, तो समय अगर हम समाज के लिए, अगर गरीबों के लिए हित में अगर नहीं निकाल पाए तो हम इंसान ही नहीं हैं, हम निकालते हैं टाइम। अच्छा, पहले तो शायद मैं नाम लिया कि नहीं, मुझे एग्जैक्ट रिकॉल नहीं हो रहा है, तो ये बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये वापी से ही काम करते हैं, तो बिहार वेलफेयर एसोसिएशन में जानना चाहूँगा ये वापी में ही काम करता है या पूरे इंडिया में काम करता है? देखिए, हमारा अभी वापी पूरा है, बलसाड़ में भी है, उमरगाँव में हमारे संजय झा जी अध्यक्ष बने हैं, सरीगाँव में सुशील सिंह अध्यक्ष हैं, पलसाना में संतोष यादव अध्यक्ष हैं, और इस तरह से हमारी कमेटी में राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर के पी सिन्हा हैं, हमारे प्रमोद सिंह जी हैं जो सचिव हैं, एन के सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मनीष मिश्रा जी हैं जो संयोजक हैं कमेटी के, लक्ष्मी झा जी हैं वो सहसंयोजक हैं, अभय सिंह कोषाध्यक्ष हैं, विनय सिंह सह कोषाध्यक्ष हैं, सुनील सिंह हैं, मतलब काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और हमारी कमेटी अभी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर जो भी लोग हैं, और हमारे यहाँ बिहार नहीं, हमारे पूर्वांचल उत्तर भारत के लोग काफ़ी हमारी कमेटी में। नाम इसका आपने बिहार वेलफेयर एसोसिएशन रखा, इसके लिए सवाल थोड़ा सा। सुनीता तिवारी जी उत्तर प्रदेश विलोम करती जो महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, उमेश तिवारी जी हैं उत्तर प्रदेश से जो कि हमारे पूजा कमेटी के अध्यक्ष हैं, अभी हमारे रविन्द्रनाथ पांडे जी हैं जो लीगल एडवाइजर हैं कमेटी में, वो हैं हमारे, इस तरह से हम लोग पूर्वांचल और पूरा पूर्वांचल के लिए जोड़ दिए हैं। नाम बिहार है, लेकिन पूरे उत्तर भारत के लोग हमारे साथ, समाज कल्याण का एक काम है, सिर्फ नाम बिहार का रखा गया है। कब शुरुआत हुई थी इसकी? ये शुरुआत तो हम लोग बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन हम लोग को 2007 में प्राप्त हुआ बिहार फेडरेशन के नाम पर, और 2007 से हम लोग काफ़ी गरीब, जैसे हमारे बासदा वगैरह जगह है जहाँ अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ भी हम लोग बुक पेंसिल कपड़ा लत्ता वितरण करते हैं, मीडिया माध्यम देखते भी होंगे आप लोग, हम लोग काम करते हैं, और आदिवासी क्षेत्र जो है जहाँ जहाँ बलसाड़ जिला माध्यमिक क्षेत्र है, तो हम लोग बुक पेंसिल मेडिकल चेकअप डॉक्टर के पुष्टा के माध्यम से हम लोग करवाते रहते हैं, और सेवा की जहाँ तक होता है हम लोग टीम हमारी करती रहती है। तो कुछ कहानी अगर आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअरों को, 2020 में जब कोरोना काल आया था बहुत ज़्यादा एक्टिव आप दिखे थे, जब भड़कमुड़ा एक जगह है सुने हैं, वहाँ दिहाड़ी मजदूर बहुत रहता है, तो जो कंपनी में काम नहीं करता है रोकड़ा पे काम करता है, शायद हम को संभव हो पाए तो हम वो क्लिप भी चलाएंगे जो जिस जगह का बात कर रहे हैं ये, वहाँ पे मतलब वापी के अंदर आपको अगर बता दिया जाए तो ये इंडस्ट्रियल हब है वापी, और वापी में आने के बाद भी इतने अधिक बेरोजगार जो रोड पे खड़े रहते हैं, और ये 2020 की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को अंदाज़ा लगे कि किस लेवल तक लोगों की सहायता की ज़रूरत है, तो क्लिप भी चलाऊँगा उस जगह का अगर मिल गया मेरे पास हो तो, कितने ज़्यादा पब्लिक बेरोजगार लोग रोड के किनारे खड़े रहते हैं, और उस टाइम पे जब ये चुनौती आई देश के अंदर लोगों का भरण पोषण करना, जो सक्षम थे वो तो किए, जो नहीं सक्षम थे उनके लिए ऐसे लोग निकल के आ गया है। सर, अपनी कहानी शुरू कीजिए। तो वहाँ पे भड़कमुड़ा में पता चला कि लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं, भोजन नहीं है किसी पास, तो टोटल
दिहाड़ी मजदूर बना, रोज कमाना रोज खाना था। कंपनी वाले को तो पेमेंट भी कुछ मिलता था, कुछ कंपनी से सहायता मिला। तो हम लोगों ने चार लोग कमेटी के बैठे, तो चंदा हम लोगों को नहीं करना है मार्केट। तो ये एनके सिंह हैं, डॉक्टर के पी सिन्हा है, राकेश कुमार जी हैं, ऐसे करके हम लोग प्लानिंग किए। और इसमें एनके सिंह का अच्छा भूमिका रहा। और एक कल्पेश भाई का चाल है भरतमुरा में, वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे उन्होंने भी मदद किए कि उन्होंने लकड़ी बर्तन व्यवस्था करवाए, जो कि हम पर डे हम लोग 4,000-5,000 रोज को भोजन वहाँ बनता था। 4,000-5,000 लोग रोज बनता था भोजन वहाँ। और जब भोजन बनता था तो उस समय का सीन देखते मीडिया भी आया था, वीडियो क्लिप में दिखाऊंगा आपको। समय का है आपका मतलब वापी के अंदर मैंने हाँ, लोग दौड़ता था बर्तन लेके, खाना जब बनता था ना, खिचड़ी बनता था, कभी चावल सब्जी बनता। मैं तो वीडियो शुरुआत करने से पहले ही वही बोला कि अगर आप वापी में रहते हैं और आप इस शख्सियत को नहीं पहचानते हैं जो 2024 दिन कंटिन्यू वहाँ पर हम लोग भंडारा चला। फिर थोड़ा थोड़ा अस्थिर हुए तो हम लोगों ने किट भी काफ़ी बांटे। अच्छा, अभी जैसे किस टाइप का किट? अच्छा, वो जो लोग चावल 15-16 किलो का किट होता था, जैसे 5 किलो चावल होता था, आटा होता था, दाल होती थी, आलू होता था, सब्जी मसाला सब रहता था किट के अंदर में। और किट जो है कुछ ट्रस्ट से भी, एनजीओ से भी मुझे मिला था, और कुछ हम लोग भी करवाए थे। तो जहाँ जैसे लवाछा, दमन बॉर्डर सील कर दिया था, सिलर बॉर्डर सील था, तो लवाछा कैसे पहुँचेगा? हम लोग अंदर गामरे से हम लोग किट भिजवाते थे, हम सब भूखा मर रहा हूँ, मुझे खाना नहीं है, लोग रो रो पुलिस का डंडा पड़ने का डर। मैं चोरी से भिजवाता था, चोरी से भागते थे, मतलब वही एक प्रशासन उस समय कड़ी थी, वो कोई भी हो वो तो बड़े। लेकिन जब वहाँ रोता था तो हम लोग को हम लोग कमेटी मीटिंग करते थे, लेकिन लड़के लोग हमारे कमेटी एक्टिव थे, वहाँ तक वो लोग पहुँचा करता था। बंद रहने के बाद भी सामान जो है वो पहुँचा करता था। तो हम लोग काफ़ी योगदान किए, जैसे अभी भिलाड़ में है मायावंशी फड़िया, अमेठी गांव में है मायावंशी फड़िया, वहाँ पे से लोग गुजराती लोग फ़ोन करते थे, साहब हम लोग घर में खाना नेम से नहीं थे, गुजराती जो भी था वहाँ भी हम लोग सेवा किए। ऐसे नहीं कि यूपी बिहार के लोगों दिए, गुजरात के लोग जो भी आदिवासी लोग थे, गरीब लोग थे, वहाँ भी हम लोग जाके किट काफ़ी किट बांटे। और मीडिया अभी पूरे क्लिप मिलेगा आपको फेसबुक पर, सब है। तो हम लोग जो कोरोना काल में काम किए वलसाड़ ज़िला में, शायद कोई संस्था मेरे हिसाब से मैं देखा नहीं। और दूसरी बात कि मेरा जो है सुबह निकलना और शाम में घर आना होते थे, तो मेरी फैमिली बोलती थी कुछ हो जाएगा आपको तो क्या होगा हम लोगों का, चलिए भगवान का नाम। डेली तस्वीरें आपकी आती थी अखबारों में। और हम लोग नगर पालिका से या मंगलाधर से 3 गाड़ी थी, 3 गाड़ी परमिशन था हमारे पास कुछ बांटने उठने का। तो हम लोग करते रहे सेवा, हमको सुकून मिला इस काम करके, और हम लोग के परिवार में किसी कोरोना भी नहीं आया, ऊपर वाले कृपा था, सब बढ़िया हुआ। इसलिए हम सबसे आग्रह करते हैं, समाज सेवा करिए, भगवान आपको साथ देगा, गरीबों के मदद में आगे खड़ा रहिए। और कभी भी आपको चुनौती तो अभी भी है समाज में, अभी भी देखिए जैसे हम लोग सरस्वती पूजा कर रहे हैं, ये करने का मकसद क्या है? बड़े पैमाने मनोज तिवारी आ रहे हैं, हम लोग एक उत्तर भारत के लोग यहाँ रहते हैं, इसी बहाने की इंजॉय भी होता है। बड़े स्टार आ रहे हैं, आज मनोज तिवारी यूपी बिहार का अमिताभ बच्चन से ऊपर लेवल है उनका, विदेश में उनका रेवेन्यू टिकट चलता है। मनोज तिवारी जी को आप बुला रहे हैं यहाँ पे, और मनोज तिवारी जी एक ऐसे शख्सियत हैं जिनका कि चेहरा देखने के लिए उत्तर भारत के लोग ललचित रहते हैं, तो हमें भी खुशी होती है उनको लाने में यहाँ। और हम लोग रिक्वेस्ट किए वापी के नाम पर, वो आग्रह स्वीकार भी किए और आ रहे हैं। और 14 फरवरी को हम सभी से आग्रह करते हैं कि आप लोग सब आइए भैया ग्राउंड में, और हम लोग उत्तर भारत के समझिए कि फागुन भी शुरू हो जाता है बसंत पंचमी से। बहुत क्रेज है यूपी उत्तर भारतीयों के लिए, तो बहुत क्रेज है फागुन का, जैसे हम लोग फाल्गुन मास का है तो उत्तर भारतीयों के लिए तो, नाम जरूर है, लेकिन हमारे संस्था में पूरे उत्तर भारत के लोग हैं। और हम लोग जो भी कमेटी में जुड़ना चाहे, हमारे ऑफिस है, इस ऑफिस में भी काम शुरू होगा, ये नया ऑफिस है। अच्छा, इसका एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को मैं बता दूं, ये अमीधरा कॉम्प्लेक्स वापी, 4 रास्ता CNG पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में, आप लगभग 50 मीटर की दूरी पे आएंगे, 3rd फ्लोर पे फ्लैट ऑफिस नंबर आप शायद बता दें, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 3rd फ्लोर पे मैं इतने दूर चल के आया तो मुझे इतना एड्रेस तो याद हो गया कि अगर आप वापी में और आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे। विपुल जी हैं, अगर विपुल जी नहीं रहेंगे तो इस संस्था से जुड़े लोग हैं यहाँ पे, आपका सहयोग जरूर करेंगे, जिस लेवल में हो सकता है, शायद फाइनेंशियल लेवल में सपोर्ट नहीं तो आपको साथ में चल सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, गलत तो कुछ नहीं कह रहा हूँ ना, ज़्यादा तो नहीं। अभी यहाँ पे हम लोग आयुष्मान कार्ड
आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, इसका काम चालू होगा। जो भी उत्तर भारत के लोग हैं जिसके पास नहीं है, यहाँ आके उस सुविधा के लिए मदद ले सकते हैं। हम हमारी कमेटी की ओर से हम लोग ये काम चालू करेंगे 1 मार्च से। आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड और आयुष्मान कार्ड, जो 5 लाख के सुविधा मिलता है मेडिकल में, जिस बेचारे के पास बनाने की नहीं, कैसे बनेगा, तो हमारी कमेटी बनवा के देगा उसको। जो डॉक्यूमेंट है वो खाली ला के देना होगा। इस ऑफिस से कार्यक्रम 1 मार्च से शुरू हो जाएगा यहाँ। चलिए, खास करके हम तो आए थे इंटरव्यू करने के लिए। हमारे पीछे जो कैमरा चला रहे हैं सागर जी, और सागर जी सलासर न्यूज़ से रिपोर्टर हैं, अच्छी खासी रिपोर्टिंग करते हैं। इससे पहले भी अगर आप हमारे सलासर न्यूज़ चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आप इनके एक खूबसूरत वीडियो देखने को मिलेगी आपको। अगर आप वापी के अंदर हैं, सिर्फ वापी नहीं, अगर वलसाड डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में है या इंडिया के किसी भी कोने में है, तो आप सहायता नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, तो आप वहाँ पर ज़रूर संपर्क कीजिए। एथ वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपुल सिंह जी, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और 2 दिन में ही, आज है 10 तारीख, और 2-3 दिन के अंदर ही आपको सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे मनोज तिवारी स्टेटिंग अभी सांसद हैं, दिल्ली के, पूर्वोत्तर दिल्ली से सांसद हैं, और अभी बिहार के लिए भी काम करते हैं, पूरे देश के लिए काम करते हैं। उनके बारे में मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप उन्हें अच्छे से जानते होंगे। बाकी आपकी अपनी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं हूँ मनोज चौहान।